तो भाइयों, मेरा नाम जितेंद्र जांगिड़। देखो, आज अपनी बोलेरो के अंदर हम इसके फोटो स्टेप से रिलेटेड बात करेंगे, जो कि इसके अपन ज़्यादा इसके यूज़ में लेंगे तो इसके थोड़े दिनों के अंदर अपने को जवाब दे देंगे इसके फोटो स्टेप वो कैसे। तो अपन बात करें तो देखो, ये फोटो स्टेप क्या है, जैसे जैसे आप यूज़ में लोगे ना इसको, ज़्यादा मतलब ज़्यादा उतरने चढ़ने के अंदर आपको गाड़ी से उतरते वक्त या चढ़ते वक्त इसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा मतलब वजन डाल दोगे या थोड़ा सा ज़्यादा जोर लगा दोगे तो ये थोड़ा नीचे की तरफ आ जाता है। मतलब कोई लोग ऐसे रहते हैं जो कि इसको यार फिर थोड़ा दिमाग लगा कर, जो कि वो गाड़ी नहीं चलती कि सवारी के अंदर कि यहाँ से वहाँ ले चलेंगे आपको इतने में पैसेंजर रूप में, तो उसके अंदर वो कैब ड्राइवर क्या जुगाड़ करते हैं। देखो आपको बताऊँ तो यहाँ से नीचे से पत्ती लगा कर ऐसे कि ऐसे ये बोल्ट दिख रहा है ना आपको, इसके अंदर कस देते हैं। या हालांकि जैसे आप घर के अंदर यूज़ में लेते हो ना, आप ना ही पैसेंजर के अंदर आप यूज़ में लेते हो, यानी घरेलू के अंदर यूज़ में लेते हो, तो आपको यार अच्छा भी नहीं, देखने के लिए अच्छा नहीं भी नहीं लगता यार, फिर क्या ही करें अपनी गाड़ी के अंदर। तो आपको एक जुगाड़ बताऊँ, क्या जुगाड़ तो क्या है, वो ही कंपनी वाला है। इसके अंदर देखो नीचे की तरफ एक एंगल का फ्रेम बना हुआ रहता है। देखो तो अपन बात करते हैं, इसके अंदर नीचे की तरफ एक एंगल का फ्रेम सा बना हुआ रहता है। इसको आप फुट स्टेप को बाहर की तरफ खोल के इसको पूरा ऑल ओवर वापस से सही तरीके से थोड़ी सी वेल्डिंग कराकर आप अच्छी तरीके से यूज़ में ले सकते हो। हमने अपनी पुरानी बोलेरो के अंदर ऐसा ही कर रखा है। ये क्या है, दोनों तरफ से देखो आप जैसे जैसे वेट डालोगे ना, अभी देखो मैं उसको ऊंचा तो कर दूंगा, देखना अभी ये हमारी का भी ख़राब हो गया, मैं इसको ऊंचा तो कर दिया, देखना अभी मैं वापस से इस पर थोड़ा सा वेट डालूंगा, देखना अभी वापस की तरफ वापस से नीचे की तरफ हो जाएगा। ये देखो ऐसा ही रहता है यार। इसको महिंद्रा यार छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता, जैसे कि इसके फोटो स्टेप से रिलेटेड ही मान लो, इसके अंदर कई ऐसी चीज़ें छोड़ रखी है महिंद्रा ने जो कि इसको हाल फिलहाल अभी तक भी सही नहीं की महिंद्रा ने। जैसे कि आप थोड़े दिन में ज़्यादातर यूज़ में ले लोगे तो ये बिल्कुल भी मतलब आपको जवाब ही दे देगा। ये जैसे आगे यार छोटी छोटी चीज़ों को मजबूत बनानी चाहिए थी महिंद्रा को, जैसे कि इसके पीछे से देख लो एक बार, मैं बताता हूँ आपको। इसके अंदर बिल्कुल एल्यूमिनियम की शीट तो डाल रखी है बिल्कुल हल्की यार। अब जैसे ऐसे करने में देखो दिख रही है यार आपको, ये इसकी बिल्ड क्वालिटी दिख रही होगी आपको बिल्कुल यार। ऐसे तो घर के अंदर भी यूज़ में ले लेते, देखो बिल्कुल ऐसी है कि ऐसे फोल्ड हो रही है यार। महिंद्रा थोड़ा सा बहुत तो सोचते हैं, आजकल तो वैसे भी पाइप देने लग गया पीछे की तरफ, पहले तो यही आती थी एल्यूमिनियम की सीट और बढ़िया। पहले तो क्या ऐसे, पहले पुरानी वाली 2004 मॉडल थी अपने, उसके अंदर बताऊँ क्या ही था, उसके अंदर पहले पाइप वाला दे रखा था, जो अभी बोलेरो के अंदर आ रहा है ना वो वाला सिस्टम पहले वाली पुरानी बोलेरो के अंदर था, जो उसको हटाकर फिर उन्होंने ये 2011 के अंदर ऐसा कुछ डाल दिया था महिंद्रा के बोलेरो के अंदर, फिर उन्होंने वापस से निकाला कि पावर प्लस के अंदर यार अपन थोड़े से और चेंजेस करते हैं, पुराने वाली चीज़ को वापस एड ऑन कर दिया उसने कंपनी ने। तो अपन देखो अभी एक तरीके से सही भी था एक तरीके से गलत भी था, क्योंकि पाइप पहले से मजबूत आता था, अभी क्या है इसके अंदर थोड़ा पैसे बचाने के लिए महिंद्रा ने इसको एड ऑन कर दिया था बीच के अंदर, ये थोड़ा सा लुक के अंदर भी आता था। देखो मैं पीछे से पूरी बताऊँ तो ओलोर आपको, इससे क्या है अच्छा खासा लुक भी देखने के लिए मिल जाता था। अभी अपन को लुक से क्या करना, अपने को बिल्ड क्वालिटी चाहिए मजबूत। अपने यार तो सोचते हैं अपनी गाड़ी का बाय द वे कभी हो ही जाए तो अपनी यार बिल्ड क्वालिटी तो वैसे ही ये प्योर है, मतलब लोहा भरी है गाड़ी के अंदर, पूरा लोहा भरिया है अपनी गाड़ी के अंदर, तो क्या ही प्रॉब्लम है यार अपने को। तो यार अपनी महिंद्रा है ये, ऐसी छोटी छोटी जगह पर पैसे बचाकर इन्होंने लोहा डाला है इसके अंदर, जैसे कि इसके फुट स्टेप से रिलेटेड ही मान लो आप। देखो दोनों तरफ ऐसा ही हाल है। और इसके मैं बात करूँ ना इसके, इनको वैसे तो यार हमारी कोबरा टाइप बोलते हैं इनको, ये जैसे साइड क्लैडिंग मान लो इसको, मड फ्लैप मान लो इनको, है ना ये मड फ्लैप क्या है, देखो मान लो क्या है ये मड फ्लैप। इसके अंदर मैंने जुगाड़ करके चद्दर वाले पेच नहीं आते कि वो कस दिए थे ड्रिल मशीन से यार, ये ऐसे कि ऐसे बाहर की तरफ निकल रखा था, बिल्कुल भी सही नहीं लगा रखा था महिंद्रा ने। फिर मैंने यार देश रूप के अंदर इसको बिल्कुल सही तो कर दिया था, पर जब देखो सही है नहीं वैसे आइडिया ये, जब देखो इसके अंदर तो फिक्स हो गया वैसे ये नहीं कोई हिलता है, पर यार अपने फुट स्टेप भी सही नहीं है तो फिर ये का ही काम आएगा अपने, क्या ही काम आएगा अपने। देखो इसको ऊपर नीचे ऐसे कैसे हो जाता है, क्या है इसके अंदर जो वेल्डिंग रहती है ना वो टूट जाती है, जैसे इसके अंदर देखो यहाँ से टूट रखी है, अंदर की तरफ से टूट रखी है वेल्डिंग। हमें इसके जब ये खुलेगा ना तो मैं आपको एक बार वीडियो शूट करके बता दूंगा। ऐसी ऐसी छोटी चीज़ें हैं यार जो महिंद्रा ने बिल्कुल भी नहीं सोच रखी अपने लिए। पहले इसके ये क्या है मड फ्लैप है ना, इसके अंदर पहले रबड़ भी नहीं दे रखा था, अभी हाल ही के अंदर रबड़ भी देने लग गया इसके अंदर वाटर रेजिस्टेंस बनाने के लिए। यार महिंद्रा पहले तो यार बिल्कुल ऐसी देसी ऐसी बनाता था बस और कुछ भी नहीं है, अभी थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट करने लगा जब से XUV 7W आई है ना, उसी से पहले मान लो थोड़ा सा जब से ये थोड़ा इम्प्रूवमेंट करने लगा है, पहले तो कुछ भी नहीं करता था महिंद्रा, अभी न्यू लोगो हुआ
मेरे को ऐसा लगता है इसके अंदर महिंद्रा के अंदर थोड़े नए इंजीनियर इन्वॉल्व हो गए, इस कारण ही कर रहे, नहीं तो पुराने वाले तो यार वही देसी चल रही है तो देसी चलने दो, ऐसा चलता है इनकी सोच ही ऐसी थी भाई। सही बात करें तो बिल्कुल यार इतने इतना गैप दे रखा है मतलब महिंद्रा ने, क्या ही बताऊँ, बम्पर के अंदर भी पुरानी वाली एसयूवी के अंदर तो अपने को काफ़ी सारा मतलब गैप देखने के लिए मिल जाता है, जो कि यहाँ पर देखो यार ये इतना अच्छा भी नहीं लगता यार पिकअप के अंदर आता है आजकल की इतने में। अभी तो थोड़ा बहुत कम कर दिया, फिर भी यहाँ पर तो थोड़ा बिल्कुल कम कर दिया, पहले तो यार महिंद्रा ऐसे कि ऐसे डाल देता था मार्केट के अंदर, बोलर को लॉन्च कर देता था कि यार खरीद लेंगे इंडियन ही तो है, इतना इतना ऐसे कि ऐसे नीचे की तरफ दिखता है बम्पर से, ऐसे कोई बम्पर देता है क्या यार अपन, ऐसे तो ऐसे एनएसएस रूप के अंदर डलवा लेते जैसे कि थार के अंदर रेंगलर वाला डलवा लेते हैं आजकल, ऐसे ऐसे दे रखा है यार महिंद्रा, क्या ही बताऊँ यार महिंद्रा को, तो महिंद्रा तो महिंद्रा ही है वाकई में। और इधर बताऊँ ना आपको, अभी देखो दोनों तरफ है ना, दोनों तरफ एज इट इज़ जैसे कि ऐसे मिल जाता है हमें एज इट इज़ सेम, जो कि यार थोड़ा बहुत कहीं पर अट जाए तो ये बम्पर ये क्या है फुट स्टेप बिल्कुल अंदर की तरफ चले जाते हैं। अब ये देखो यहाँ पर तो देखो, अब उधर की साइड तो क्या है मैंने स्क्रू लगा रखा था, अब इधर की तरफ देखो एक रिपट लगा रखी है, और देखो ऐसे कि ऐसे कि ऐसे कर रखा है यार इनको, ये ऐसे कि ऐसे जब भी अपनी गाड़ी चलती है ना चलते वक्त ये बिल्कुल ऐसे कैसे वाइब्रेशन होता है ना गाड़ी के अंदर, तभी ऐसे ऐसे करने लग जाते हैं बिल्कुल यार, ये इरीटेट से करने लग जाते हैं, ये बताऊँ क्या ही बताऊँ यार आपको। अब और ऊपर से इसके अंदर चूहे और वायरिंग को काट देते हैं, जो कि इसमें प्रीवियस वीडियो में आ चुका होगा, अब यार क्या ही बताऊँ महिंद्रा तो महिंद्रा ही है। अभी इसके अंदर देखो यार रियर बम्पर दे रखा है, और इसके अंदर देखो मटफ्लिप के अंदर इसका, इसके अंदर देखो गैप यार, महिंद्रा बिल्कुल भी नहीं सोचता यार इसके बारे में यार, चोरे के लिए तो कुछ अलग सा इंतजाम कर रखा है, मतलब चोर आए आराम से खोल ले जाए गाड़ी को, नहीं तो उनको की आवश्यकता है नहीं कुछ, बस थोड़े से एक दो स्क्रू ड्राइवर लाएंगे और कुछ भी नहीं, वो लाएंगे आराम से खोल के ले जाएंगे, क्या ही बताऊँ यार महिंद्रा को तो क्या ही कहना यार, मैं जितनी बताऊँ ना उतना ही कम है। देखो इसके डोर को देखो यार, कोई तो अंदर की तरफ से डालता है महिंद्रा बाहर की तरफ से डालते हैं, देखो स्क्रू ड्राइवर लाएगा दोनों स्क्रू खोला, गेट अलग, गेट का कोई भी रोल नहीं है इसके अंदर, डोर का कोई भी रोल नहीं है इसके अंदर, गेट को अलग उठा के पीछे की तरफ डाला, आराम से गाड़ी को चला के लेके जाएगा आराम से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि चोर को आराम से ले जाके चोरी करके बाय बाय टाटा बाय बाय ऐसे करके चला जाएगा, आप देखते ही रह जाओगे अपनी गाड़ी गई कहाँ यार, चाबी भी अपने पास है नहीं, लॉक टूटा गाड़ी का, जबी भी आपको मिलेगी बाय द वे मिल भी जाएगी तो आपको यार लॉक टूटा वो भी नहीं लग रहा, बिल्कुल सही है यार गाड़ी, कैसे क्या चोरी कर ले गया होगा, आप भी सोचते रह जाओगे यार गाड़ी को महिंद्रा यार, थोड़ा बहुत सोचो, और ये थोड़ा फुट स्टेप के बारे में तो सोच लो यार, अभी भी ऐसे कैसे डाल रखे हो यार महिंद्रा के अंदर, मैं इसको परेशान हो गया एक बार, कई बार तो मैं इसको ऊपर कर दिया, जैसे ही पैर डालता हूँ वापस नीचे हो जाएंगे, देखना अभी मैं थोड़ा सा ये देखो यार क्या ही बताऊँ, वापस नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे कैसे होते रहते हैं, अभी इसको क्या है जब तक मैं वेल्डिंग नहीं करूँगा ना इसको खोल कर, तभी ऐसे कैसे रहेगा एज इट इज़ ऐसे कैसे रहेंगे वो, हालांकि ये वाला तो फिर यह क्या है ये कैसे काम आता है, जैसे कि अपन ड्राइवर साइड से कुछ भी ज़्यादातर ड्राइवर ही बैठता है गाड़ी के अंदर, क्योंकि ड्राइवर ही यार चलाता है गाड़ी को, ज़्यादातर ड्राइवर ही बैठेगा, तो अपने जब भी ड्राइवर चलाता है ना गाड़ी को जब भी बैठता है वो, तो इस कारण यार ये अप डाउन इस कारण ये यूज़ में आता ज़्यादा, वो वाला क्या इतना यूज़ में नहीं आता इस कारण वो ख़राब भी नहीं हो पाता, तो मैं दिखाऊँ तो आपको ये क्या है वो वाला ड्राइवर साइड वाला ही कुछ ज़्यादा ही यूज़ में आता है इस कारण नहीं तो वो ख़राब हो जाता है, जनरली ये तो यूज़ में आता ही नहीं है बिल्कुल, इस कारण ये बिल्कुल इतना कोई ख़राब नहीं हो रहा, देखो ये बिल्कुल सही है ये वाला, ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है कंपनी से ही है, अभी ये इतने अपने कोई यूज़ में भी नहीं आता इस कारण ये बिल्कुल अभी सही रखा हुआ है अपने पास। और ये देखो महिंद्रा की बिल्ड क्वालिटी देख लो आप, इधर से आर पार छेद हो गया देखो, ऐसे कैसे दिख रहा है अंदर का बाहर बाहर का अंदर। मेरे को एक और प्रॉब्लम फेस हुई जो कि यार इसके वाइब्रेशन से रिलेटेड, जब भी अपन इसको थोड़ी सी ओवर स्पीडिंग पर लेके जाते हैं ना तो अपनी यार गाड़ी पता नहीं गियर की वजह से करती है वाइब्रेशन, पूरी हिलने लग जाती है, उसका तो पता ही नहीं क्या ही रोल है यार, अब मेरे को समझ भी नहीं आया जब गियर से होती है या किसी से होती है, बिल्कुल भी यार पूरी गाड़ी है ना वाइब्रेशन से करने लग जाती है, वो अगले पार्ट में आ जाएगा आपके पास उसके रिलेटेड ही बताऊँगा मैं, मतलब चौथे या पाँचवें गियर के अंदर लगने लगती है ना गाड़ी जब ये वाइब्रेशन करने लग जाती है यार, इसका पता नहीं क्या ही रीज़न है यार महिंद्रा तो पता नहीं, मैं इसके बारे में थोड़ा सा सर्च भी किया था पर मेरे को कुछ मिला नहीं यार, अब मैं यार इसको थोड़ा सा आपको एक सेपरेट वीडियो डाल दूंगा इसके अंदर पता नहीं क्या ही था यार उसका रोल, और एक टेस्ट ड्राइव भी बता दूंगा आपकी कैसे क्या रहती है इसकी, और तो यार इसके और तो बस आज के लिए तो बस इतना ही, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बस अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार, बस आपसे इतना ही है।